भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल नर्सिंग को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। नर्सिंग छात्रों की जानकारी जुटाएगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक नंबर जारी किया है, कहा है कि जानकारी देने वाले छात्रों का नाम गुप्त रखा जाएगा। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है और आगामी जो मानसून सत्र है उसमें ये मुद्दा गरमा सकता है। नर्सिंग छात्रों की जानकारी कांग्रेस पार्टी जुटाएगी और खासकर नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में बाकायदा नंबर जारी किया है, कहा कि जानकारी देने वाले छात्रों का नाम गुप्त रखा जाएगा। नर्सिंग मामला को लेकर जो अभी कथित फर्जीवाड़ा सामने आया उसमें अब सियासत तेज हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नंबर जारी किया है और जानकारी देने वाले छात्रों का नाम गुप्त रखे जाने की उन्होंने बात कही है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। अगली खबर इंदौर से, जहां नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस का भ्रष्टाचार पौधारोपण प्रदर्शन चल रहा है। रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पौधारोपण, कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री की फोटो पौधे पर लगाई और केंद्रीय मंत्री और एनटीए की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब वहां लगे हुए पौधे पर नोट चिपकाए गए, केंद्रीय मंत्री की फोटो चिपकाई गई और हाथ में कुछ पोस्टर्स लेकर नीट भ्रष्टाचार वृक्षारोपण करके प्रदर्शन यहां पर किया गया। दरअसल नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। और भोपाल में एमपीईएसबी ने एक निर्णय लिया है। दरअसल भर्ती परीक्षा में एक निगरानी सिस्टम को सुदृढ़ तरीके से, मजबूत तरीके से काम करने के लिए यह निर्णय लिया गया। अब मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए दो एजेंसीज नियुक्त होंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी, दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी और भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है और ये निर्णय दो एजेंसीज को बनाकर लिया गया है, जिसमें एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाएगी और दूसरी निगरानी करेगी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता बनी रहे और खासकर छात्र छात्राओं को जिस तरह की परीक्षा के लीक हो जाने से, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने से और कई अन्य तरह की गड़बड़ियां हो जाने की वजह से छात्र छात्राओं का समय बहुत व्यर्थ हो जाता है और ऐसे में अब एमपीईएसबी ने यह निर्णय लिया है। और भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एमपीईएसबी के लिए दो एग्जाम एजेंसी बनाने का फैसला किया गया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि धांधली रोकने के लिए पहले कानून बना है, व्यापम के बाद हर परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, जांच एजेंसी खुद भ्रष्टाचार में पकड़ी गई, परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जासूसी के लिए एक नई एजेंसी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट हुआ था 2006 में, 7 में व्यापम का, उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऐसी कोई परीक्षा है जो लीक नहीं हुई हो? और जो भ्रष्टाचारी था, जो ये परीक्षाएं लीक करवाता था पीएससी में बैठ के, उसी आदमी को आपने जो है छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बना दिया, उसी आदमी को अब जो है आपने नीट का चेयरमैन बना दिया, उसी आदमी को जांच सौंप दी, इसका मतलब है कि संघ और बीजेपी इसमें शामिल हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जाँच करने वाली जो एजेंसियाँ हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में पकड़ी गई, सीबीआई के लोग जेल गए, सीबीआई के लोग गिरफ्तार हुए, तो अब तो ये है कि एक तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी नियुक्त कर रही मध्य प्रदेश सरकार, दूसरी परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जासूसी करने के लिए एजेंसी स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, नर्सिंग घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष का गंभीर आरोप है। मंत्री विश्वास सारंग एसीएस सुलेमान पर लगाए गंभीर आरोप, आईएएस निशांत बरबड़े पर भी आरोप लगाए गए, छोटी मछलियों को बर्खास्त किया जा रहा है। उमंग सिंघार का कहना
कि छोटी मछलियों को बर्खास्त किया जा रहा है और इस पूरे मामले में आईएएस निशांत बरबड़े पर भी आरोप लगे हैं। मंत्री विश्वास सारंग एसीएस सुलेमान पर भी आरोप लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके तीसरी की जा रही है, उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। और नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मिथुन अरवार साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। नेहा जी, पहला सवाल आपसे रहेगा, चूंकि सरकार को सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश, उमंग सिंघार कह रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके उन्हें बर्खास्त करके इतिश्री कर ली जा रही है, गड़बड़ी तो बहुत बड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि आजकल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता जो है वो जांच एजेंसी, वो कानून व्यवस्था, वो सुप्रीम कोर्ट, वो चुनाव आयोग, वो हर व्यवस्था से सबसे ऊपर हो गया है। और इन सब में जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है छपाक की, ये स्पष्ट दिखाता है कि इन्हें किसी भी प्रकार की एजेंसीज पर जो है विश्वास नहीं है। और विश्वास हो ना हो, इन्हें बस कहीं ना कहीं हेडलाइन का एक हिस्सा बन जाना है। वरना आज से पहले जितने भी पेपर लीक हैं वो जो हमारे देश ने देखे वो कांग्रेस के रिजीम में ही देखे हैं, चाहे सीए का हो, चाहे आप यूपीएससी का देखिए, और चाहे आप जो क्लैट का था उसका पेपर लीक देखिए, सीबीएसई का 12th की परीक्षा का देखिए। तो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड थी, जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक्स हुए, आज जब व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, आज जब केंद्र की सरकार ने उस पर कानून बना दिया है, आज जब मध्य प्रदेश सरकार उसको और व्यवस्थित करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें ही पेट में दर्द हो रहा है। मिथुन जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। मिथुन जी, व्यवस्थाएं तो सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है, नेहा जी कह रही है कि सब कुछ बना, कानून बन रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। आप लोगों के समय में तो बहुत बड़े स्तर पर ये सब गड़बड़ियां हुआ करती थी। हमारे समय के एक नेता का नाम बता दें जिसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी झूठ, छल और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करती नहीं है। इसके पास देने को जवाब होता नहीं है। 24 लाख छात्र इस समय देश में धरने पर बैठे हुए हैं, वो क्या कांग्रेस की सरकार की वजह से बैठे हुए हैं? आपकी सरकार की वजह से बैठे हुए हैं ना। कितनी हास्यास्पद बात है कि आप मध्य प्रदेश में एक एजेंसी जो एग्जाम कराएगी और दूसरी एजेंसी उसकी निगरानी करेगी। मतलब इनका मानना है कि जो केवल एग्जाम कराने वाली एजेंसी वो भ्रष्ट हो सकती है, निगरानी वाली एजेंसी भ्रष्ट नहीं हो सकती। मान लीजिए वो एजेंसी भ्रष्ट हो गई तो उसके लिए कोई और एजेंसी बनाएंगे, बस सरकार कोई निगरानी नहीं रखेगी। सरकार नामक व्यवस्था मध्य प्रदेश से खत्म कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी संस्थानों से ऊपर अपने आप को समझते हैं और एक तरफ कहते हैं कि साहब हम संस्थानों को लगा देंगे तो वो सुनिश्चित करवा लेंगे कि ये ऐसे एग्जाम, इसके लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है 2017 के बजट में मोदी जी ने जो बनाई थी, अगर उस एजेंसी को आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, पेपर लीक खत्म करने के लिए लाए थे, तो उसी में सबसे ज्यादा पेपर लीक, भ्रष्टाचार और विवाद के मामले यदि आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए उन छात्रों के लिए जो कि आज धरने पे बैठे हुए, उनके माता पिता अपनी गाड़ी कमाई जिंदगी भर की लगा करके बच्चों के एग्जाम दिलाते हैं, कोचिंग कराते हैं, उसकी इन्हें चिंता नहीं है। केवल अपने झोले भरने में ये सरकारें लगी हुई है। और क्योंकि दो एजेंसीज लगाएंगे तो दुगना भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास पहुंचेगा, इसलिए दुगनी तिगनी एजेंसीज लगाई हैं। नहीं तो हम तो जानते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग बुलडोजर संस्कृति के हैं, उसकी सरकार के लिए क्या इतना चिंतित होना आवश्यक है कि उनकी जो सरकार है इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती? तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए और कोई एजेंसी सरकार चलाने के लिए भी नियुक्त कर देनी चाहिए। एक दूसरे पर उंगली उठाना ये सबसे सरल तरीका है राजनीतिक दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि छात्र छात्राओं के भविष्य का ये विषय है और इस विषय पर और गंभीरता से मुझे लगता है कि सोचा जाना चाहिए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा था, एक बार अपने दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। तो बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? महेंद्र गुप्ता जो इनके ओएसडी अघोषित रूप से काम कर रहे, क्या वो इसके भागीदार नहीं है? निशांत बरखड़े, क्या वो इसके भागीदार नहीं है? काउंसिल ये लोग चला रहे थे,
जब काउंसिल इलेक्टेड रहती है उसमें आपने उनको चुना नहीं, लेकिन शासन ने अपने उस नर्सिंग कॉलेज काउंसिल को टेक ओवर करके अपने हिसाब से चलाते रहे। तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग है, इनपे ये बड़े मगरमच्छ है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये मामला गरमाता जा रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच ये राजनीति का मुद्दा बन गया। इस बीच जो सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है वो छात्र वर्ग है, अभ्यर्थी वर्ग है। हाँ देखिए, बिल्कुल, जो नर्सिंग घोटाला है लगातार ये मध्य प्रदेश में चर्चा में बना हुआ है, लगातार इसको लेकर कुछ ना कुछ खुलासे होते रहे। उसके बाद जिस तरह इसमें सारी जांच एजेंसीज पर भी सवाल खड़े हुए, यहाँ तक कि पहली बार सीबीआई के अफसर तक इस घोटाले में शामिल थे, न केवल मध्य प्रदेश सरकार के अफसर, न केवल मेडिकल का स्टाफ, बल्कि उसके बाद सीबीआई के अफसर भी शामिल हो गए। तो एक बड़ा घोटाला है और उसके बाद सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे, कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर मुखर है। उमंग सिंगार ने भी जो आरोप लगाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद ये बोल चुके थे कि किसी भी घोटालेबाज को या कोई भी गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सीएम की सख्त लाइन के बाद भी जिस तरह कार्रवाई हो रही है वो बड़ी धीमी धीमी हो रही है। अभी तक केवल नोटिसेस हुए हैं, इसके अलावा जैसे कल सुनीता सिजू जो है उसको बर्खास्त किया गया, तो कार्रवाई बड़ी एक एक कर हो रही है, छोटे अफसरों पर हो रही है। और उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इसी बात को उठाया है कि छोटी मछलियाँ निशाने पर है, छोटी मछलियों को शिकार बनाया जा रहा है। और अभी तक की कार्रवाई देखी जाए तो कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी किसी उस बड़े अफसर की तय नहीं हुई। जैसे एसीएस मोहम्मद सुलेमान की बात की जाए, मोहम्मद सुलेमान इस पूरे सिस्टम विभाग के सबसे अहम अफसर हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद सुलेमान से कोई बात नहीं, या उनकर कोई जाँच या उनसे सवाल नहीं पूछे गए। उसी तरह जो आईएएस निशान बरबड़े हैं, जो इसके आयुक्त थे, वो भी कहीं ना कहीं शंका के घेरे में। निशान बरबड़े की कार्यशैली भी हमेशा विवादों में रही है, तो उसके बाद भी बरबड़े पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस पूरी सवाल कांग्रेस उठाकर इन दोनों अफसरों के बहाने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है बार बार, कि सीएम एक तरफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, सख्ती की बात करते हैं, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स के आगे हाथ बंद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो इशू है वो राजनीतिक इसीलिए हो चला है कि बड़े अफसरों की जिम्मेदारी, बड़े अफसरों पर कोई कार्रवाई, उन्हें उनके विभाग तक से नहीं हटाया गया, अभी तक इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई गई है, यही सबसे बड़ा सवाल। एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो अभ्यर्थी वर्ग को झेलनी पड़ रही है, जो किसी उम्मीद में बार बार एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका भविष्य किसी तरह से उज्ज्वल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और जैन से अहम खबर आपको बता दें, महिला से गैंगरेप के बाद अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, और इस पूरे मामले में गैंगरेप के आरोपी इमरान के अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़ा गया। आदिवासी महिला से गैंगरेप का इस पर आरोप लगा था और पुलिस ने इमरान के ताजपुर स्थित अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़ डाला। वारदात की जगह वाला शेड भी तोड़ दिया गया है। और तस्वीरें उस वक्त की जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उज्जैन में अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए घर के ऊपर एक्शन लिया गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा और गैंगरेप के आरोपी के अतिक्रमण को हटाया गया और साथ ही उस शेड को भी ध्वस्त कर दिया गया जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले में आदिवासी महिला से गैंगरेप के आरोपी के अवैध अतिक्रमण को नष्ट कर दिया गया है। और बढ़ते आगे इंदौर से अगली खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल जिला प्रशासन नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली, जहां एप्पल हॉस्पिटल के पास सड़क से कब्जा हटाया गया, मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था, ब्लॉक हो गई थी कॉलोनी वासियों की मुख्य सड़क। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने यह अतिक्रमण हटाया है। निगम की टीम मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों के साथ और इस मुख्य सड़क पर व्याप्त जो अतिक्रमण था उसे पूरी तरह से अब हटा दिया गया है, क्योंकि मेन सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, आवाजाही काफी असुविधापूर्ण हो चुकी थी। तो ऐसे में उसे अब
सुगम कर दिया गया है। और धार में एक महिला को उसी के परिवार के लोगों ने तालिबानी सजा दी। दरअसल परिजनों ने लाठी से उसकी पिटाई की। दरअसल प्रेमी के साथ भाग जाने पर महिला को पकड़कर जमकर पीटा गया और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। दरअसल पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के कोदी गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और डंडे से हमला करने वाला कोई और नहीं, इस गांव का ही सरपंच था। प्रेमी के साथ भागने पर मारपीट की गई और महिला को तालिबानी सजा दी गई है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। धार जिले के कोदी गांव की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। आसपास के मौजूद जो लोग हैं वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए और अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बहरहाल आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने का विषय। पिटाई के जो वीडियो वायरल हुआ था उसको धार पुलिस ने, मैंने स्वतः बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल संज्ञान लेने के बाद महिला की रिपोर्ट पर 307-34 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हम लोगों ने कल सामने पकड़ लिया था। और हमारी पूरी धार पुलिस की टीम ने रात में सारे आरोपियों को, 7 आरोपियों को पकड़ करके हम लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया है। और बढ़ते आगे खंडवा से एक अहम खबर आपको बता दें, बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई। सलीम उर्फ लंगड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सलीम को टूटे पैर के साथ टांग कर पुलिस ले गई। दरअसल नासिर गैंग के गुंडे ने सलीम की टांग तोड़ दी थी और सलीम उर्फ लंगड़ा पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी वीडियो है जिसमें नासिर गैंग के गुंडे ने इसकी टांग तोड़ी थी और इस पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। खंडवा से पूरा मामला सामने आया जिसमें बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 28 से ज्यादा मामलों में ये वांछित है। 5,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया। और खबर सीहोर से, जहां बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। एक युवक के घर में घुसकर चप्पल से उसकी पिटाई की। आबकारी विभाग का अधिकारी बताकर ये घर में घुसे थे और तलाशी के दौरान वहां से शराब मिलने पर उसकी पिटाई कर डाली। शराब कारोबारी के इशारे पर इस युवक की पिटाई की गई है। अब इस पूरे मामले में यह समझना होगा कि इसमें अपराध किसका है, घर में शराब रखने वाले इस शख्स का या फिर खुद को आबकारी अधिकारी बताकर उस घर में कार्रवाई करने वाले उन शराब माफियाओं का। तेरे रूम से मिला है, कहाँ से आया बता, बोल बोल बता। और मंडला में स्ट्रीट वेंडर ने दुकानदार को जमकर पीटा। दरअसल दुकानदार के ऊपर हमला किया जिससे उसकी उंगली पर भी चोट आई और दुकान लगाने से मना करने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। और इस पूरे मारपीट की जो तस्वीर है वो नजदीक ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई और तस्वीर अब वो आपको भी दिखाएंगे उस वक्त की, जहां स्ट्रीट वेंडर ने दुकानदार को पीटा और दुकानदार पर हमला किए जाने का ये जो पूरा घटनाक्रम है वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दुकान के सामने फाड़ लाके रख दिए और पूरा पूरा ब्रेक है पूरे सब बना दिए हैं और इसको हटाने के लिए बोला गया तो बोला नहीं हटाएंगे, आपको जो करना है। गाली गलौज करने लगे और मारपीट भी चल रही है। हाथ से तो काटा है और सिर में कम से कम 5-6 पट्टियां और भी पेड़ में घुसे छाती में, इस टाइप से बहुत मारपीट की सर। आज दिनांक को 21 जून को मंडला के हॉकगंज इलाके में अशोक वीरानी ये किराना की दुकान करते हैं और विनोद नंदा ये वहाँ पर नारियल की दुकान करते हैं। इनके बीच में दुकान के प्रसार को लेकर के आपस में विवाद हुआ और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। अशोक वीरानी को जो चोटें आई थी उसके आधार पर 323-294 IPC की FIR कायम करके विवेचना में ले लिया गया है। इसके अलावा विनोद नंदा ने भी अपनी ओर से आवेदन दिया है, उनका मेडिकल मुआवजा वगैरह कराया जा रहा है।
और अगली खबर सीधी सी है, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला की हालत इस दौरान गंभीर बताई जा रही है, जिसे रीवा रेफर किया गया है और उसने खून से दीवार पर अपना बयान लिख दिया। सास, ससुर और पति को इसके लिए जिम्मेदार बताया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बढ़ते आगे 20